स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर टैप कीजिए। थैंक यू। आज हम बनाने वाले हैं दम आलू। दम आलू बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टमाटर, 1 प्याज और 1 हरी मिर्ची। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। और छोटे आलू चाहिए हमें इसे बनाने के लिए। मेरे को ज़्यादा छोटे आलू नहीं मिले थे, तो इसलिए मैंने थोड़े से बड़े आलू लिए हैं और उन्हें स्लाइस कर दिया है। देखिए बहुत ही जल्दी बन जाएगी ये रेसिपी और बहुत ही अच्छी ग्रेवी होती है इसमें और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। बहुत जल्दी बनाएं ये सब्जी। चलिए बनाते हैं। देखिए हमने यहाँ पे 7 आलू ले लिए हैं छोटी साइज़ के, 2 टमाटर, 1 प्याज। अब हमने आलू को छील लेना है बिल्कुल अच्छे से और इसके आलू में इस तरह से चाकू की मदद से यूँ छेद कर देना है, जिससे कि हमारा मसाला अच्छे से आलू में पैर जाए जब हम ग्रेवी बनाएं और इवनली टेस्ट आए पूरे आलू में। देखिए इस तरह से हम सभी आलूओं में छेद कर लेंगे। ओहो, एक आलू ख़राब निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास अभी भी 6 आलू बचे हुए हैं। इस तरह से हमने सभी आलू में छेद कर लिया है और उसे हाफ हाफ पीसेस में काट लिया है। ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे क्योंकि दम आलू बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं। वैसे तो इसके लिए बहुत छोटे आलू होते हैं, जैसे चेरी टमाटर आते हैं, सेम वैसे ही छोटे छोटे आलू आते हैं, उन्हीं के दम आलू अच्छे बनते हैं वैसे तो, बट हमारे पास नहीं थे तो हम इससे ही काम चला रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ पे हम लेंगे 1 कप दही, उसमें हमने 1/2 चम्मच हल्दी मिला दी है, 1 चम्मच नमक डाल दिया है और 1.5 स्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच धनिया डालेंगे अब हम इसमें और गरम मसाला डालेंगे 1/2 चम्मच। ये हमारी ग्रेवी बनाने में काम आएगा ये जो हम मसाला बना रहे हैं। अब हम ब्लेंड कर लेते हैं हमारे टमाटर को और प्याज को और हरी मिर्च को, उनका पेस्ट बना लेंगे ब्लेंड करके अच्छे से, जिससे कि हमारे सब्जी में वो इस तरह से पीसेस नहीं आए टमाटर और प्याज के, ये स्मूथ ग्रेवी दिखे। तो देखिए हमने ब्लेंड कर लिया है उसको और अब हम जो ये मसाला है उसमें 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। दूसरी तरफ हमने कुकर में, ये देखिए हमारा पेस्ट भी तैयार हो गया है और हमने कुकर में 1 चम्मच ऑयल डाला था जो गर्म हो गया है और उसमें हमने 1/2 स्पून जीरा डाला है। अब हम जो हमारे टमाटर और प्याज का पेस्ट है वो डालेंगे जीरे के गर्म हो जाने के बाद में, जीरे के पक जाने के बाद में। जीरा हमारा पक गया है, अब हमने जो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट है वो डाल दिया है इसमें। अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे जब तक कि इसमें तेल ऊपर उतर के नहीं आ जाए और हमारा मसाला अच्छे से पक नहीं जाए तब तक। ये देखिए हमारा मसाला पकने लग गया है। अब हमने यहाँ पे 1/2 स्पून सॉल्ट मिलाया है। सॉल्ट हमने पहले भी लिया था बट थोड़ा सा कम रह जाता है सॉल्ट, इसलिए मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और मिलाया है। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक की यूज़ कीजिए। और अब हम यहाँ पे जो हमने दही और मसालों का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। अब हम इसको हिलाते रहेंगे नहीं तो हमारा दही फट जाएगा। ये देखिए अच्छे से हमने इसको मिलाना है और जो थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे हम इसमें क्योंकि ये बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो जब हम आलू को डाल के सीटी लेंगे तो ये कुकर में चिपक जाएगा और फिर हमारी सब्जी जलने का डर रहता है। तो हम थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे इसमें इस तरह से। और अब हमने यहाँ पे कस्तूरी मेथी मिलानी है
कसूरी मेथी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप दम आलू बनाओ, पनीर की सब्जी बनाओ, किसी में भी। यहाँ पे हमने हाफ स्पून एवरेस्ट सब्जी मसाला डाला है, ये ऑप्शनल है, आप लोगों को पसंद हो तो आप डालिए। मुझे बहुत पसंद है सब्जी मसाला, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। गरम मसाला भी डाला है मैंने, पर थोड़ा सा मैं सब्जी मसाला भी डाल रही हूँ। ये देखिए, अब हमारे जो ग्रेवी है उसमें धीरे धीरे उबाल आने लग गया है। अब हम जब इसमें एक बार अच्छा उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम इसमें धीरे धीरे हमारे आलू डालेंगे। अब हमने इसमें आलू मिला दिए, हमारे जो कटे हुए आलू थे, जो ट्रेडिशनल दम आलू होते हैं वो सब पहले उबालते हैं और फिर बाद में उन आलूओं को तला जाता है, फिर ग्रेवी बना के ग्रेवी में डाला जाता है। बट मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाते हैं, आप डेली में ऐसे हैवी आलू नहीं खाना चाहेंगे। तो अब यहाँ पे हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है, एक सीटी के बाद हमने उसे खोल दिया है और अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए कितनी सुंदर बनी है हमारी सब्जी, कितनी ही डिलीशियस दिख रही है, कितनी झटपट भी बन गई। 5 5 6 मिनट में हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी सब्जी। अब हम इसे धनिए से गार्निश करेंगे और आप इसे लच्छा पराठा, चपाती, नान के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी इसे बनाइए और आपको कैसी लगी सब्जी मेरे को अपने व्यूज़ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में।